डॉक्टर शशि वरिचा, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में, स्पेशली बॉयज़ के अंदर। जो मेल्स हैं उनमें अगर बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए, उनके बॉडी से फेयरनेस बहुत ज़्यादा कम होने लग जाए और स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क होने लग जाए, तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी। मैं आपको कुछ कॉज बताऊँगी कि आखिर क्या रीज़न है मेन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होने का, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिससे आप अपने फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ग्लोइंग हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है? जब भी हमारे स्किन में डार्कनिंग होने लग जाती है, कुछ एरियाज़ में भी हो सकती है या फिर कम्प्लीटली पूरे फेस में भी आपको डार्कनिंग हो सकती है, तो आप कह सकते हैं कि इसका रीज़न मेलानिन होता है। अगर आपकी स्किन का कलर डार्क है तो उसके पीछे एक केमिकल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एक पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है मेलानिन। तो हमारे स्किन के अंदर कुछ मेलानोसाइट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन के लिए, जो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन को। और अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होता है तो आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क होगा, पर अगर आपकी बॉडी में मेलानिन का सिक्रीशन कम है, प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी। ओवरऑल यही है कि मेलानिन आपकी डार्कर लुकिंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो अब मैं आपको कुछ कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है मेंस के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होने का, क्या रीज़न है कि मेन की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है सन डैमेज। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं, आपको धूप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मेन के अंदर। फीमेल्स में ज़्यादा नहीं देखा जाता क्योंकि फीमेल बहुत ही कम धूप में निकलती है, अगर निकलती भी है तो वो बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन या फिर अपने आप को कम्प्लीटली कवर करके निकलती है। लेकिन बॉयज़ में ये चीज़ नहीं है, बॉयज़ ऐसे ही खुला निकल जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सन डैमेज होता है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टैनिंग होने लग जाती है। कुछ जगह है जो बहुत ज़्यादा डार्क होती है और कुछ जगह थोड़ा लाइट कॉम्प्लेक्शन आपको दिख जाएगा। तो आप कह सकते हैं सन डैमेज एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है बॉयज़ के अंदर। सेकंड आप कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, कोई आपकी स्किन में इन्फेक्शन है, तो उसके वजह से भी कुछ कुछ बॉयज़ की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, स्किन में डार्कनेस आने लग जाती है। नेक्स्ट कॉज है एक्ने वल्गैरिस। ये प्रॉब्लम आप टीनेजर्स में देख सकते हैं, जो 13-14 ईयर के जो बॉयज़ होते हैं उनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा उनको पिंपल होने लग जाते हैं। इसका रीज़न ऑयली स्किन भी हो सकता है क्योंकि कुछ बॉयज़ की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, और क्योंकि वो बाहर निकलते हैं तो जब स्किन में बहुत ज़्यादा डर्ट आके चिपक जाती है, धूप में निकलते हैं, तो उसके वजह से उनको एक्ने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इसका और एक रीज़न है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उस एज में हमारे हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा होता है, तो उसके वजह से भी मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल होने लग जाते हैं, उन पिंपल के डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्कार्स होते हैं इन फ्यूचर, तो उसके वजह से मेल का जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डार्क होने लग जाता है। नेक्स्ट कॉज आप कह सकते हैं स्किन इंजरी। अगर आपकी स्किन में कोई इंजरी हुई है तो उसके वजह से भी आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लग जाता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन के और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतने ही कॉज है। कुछ डिजीज़ ऐसी है जिसके वजह से मेल का जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाता है, जैसे कि एडिसन्स डिजीज़ है, इसमें मेलानिन बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं अफेक्ट होती है, मेलानिन का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, अचानक से मेलानिन बढ़ने लग जाता है शरीर में, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है वो बढ़ने लग जाता है। जब MSH बढ़ने लग जाए तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपकी स्किन अपने आप ही डार्क होने लग जाएगी। तो एडिसन्स डिजीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स, ये एक ऐसी डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है जिसमें कि स्किन कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है, स्पेशली जो फोल्ड्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क होने लग जाती है। तो ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिन्हें इंसुलिन रेसिस्टेंस है, जैसे कि डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट की स्किन डार्क होने लग जाती है, तो बहुत सारे बॉयज़ में भी ये सिम्टम देखे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। इसके अलावा मेलाज़मा आप कह सकते हैं फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेल्स में इतना नहीं होता। रीज़न आप हारमोन्स को कह सकते हैं जो
फीमेल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है मेलाज्मा के लिए, लेकिन कुछ कुछ मेल्स ऐसे हैं जिनमें मेलाज्मा होने लग जाता है, मतलब कहीं कहीं पे ब्लैक कलर के डिसकलरेशन होने लग जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज आप मान सकते हैं। इसके अलावा एक्ने वल्गैरिस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल होने लग जाए तो उन मेल्स के अंदर डिसकलरेशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाती है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है स्मोकिंग। जो बॉयज़ बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा स्मोक करोगे तो जो आपकी आर्टरीज़ है, जो वेंस है, वहाँ पे कार्बन डिपोजिशन होने लग जाएगा। तो जब डिपोजिशन होगा तो आपकी वेंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, ब्लड सप्लाई कम होने लग जाएगा। तो अगर आपके फेस पे ब्लड सप्लाई कम होने लग जाए तो ऑब्वियसली बात है फेस का जो ग्लो है वो कम्प्लीटली कम होगा, जो डलनेस है वो आने लग जाएगी, फेस में हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाएगा। तो स्मोकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप मान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हाइपर पिगमेंटेशन के साइन एंड सिम्टम और उसके कॉज। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जिससे आप अपना हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो फेशियल कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी, क्योंकि मेल्स की जो स्किन है वो बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से मेडिसिन करनी पड़ती है, क्योंकि ये फीमेल स्किन से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डिफरेंट होती है। फीमेल स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही थिन होती है, लेकिन मैन की स्किन थोड़ी थिक होती है और बहुत ही आप कह सकते हैं हार्श होती है। तो कुछ मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो मैन की फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा आप अच्छी मान सकते हैं, ये हाइपर पिगमेंटेशन को बहुत ही कम कर देती है। फर्स्ट मेडिसिन है बेरबेरिस एक्विफोलियम। इस मेडिसिन को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना होगा। ये मेडिसिन को आपको 15 ड्रॉप लेना है, आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। बेरबेरिस एक्विफोलियम एक नेचुरल रेमेडी है, ये आपके जो फेशियल कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा क्लीन करती है। आपके बॉडी में कहीं पे भी अगर डार्क स्किन है, ऐसा नहीं है कि खाली फेस पे है, अगर आपकी बॉडी पे भी कहीं आपको हाइपर पिगमेंटेशन लगता है, डार्क आपकी स्किन लगती है, तो उस कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अगर आपको स्कार्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यंग एज में बहुत ज़्यादा पिंपल हुए थे, एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम आपको पास्ट में रह चुकी है, उसके वजह से अभी आपका स्किन डार्क हो चुका है, स्कार बन चुके हैं, ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। ये आपके फेस में ग्लो भी लेके आएगा और साथ ही साथ आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा। तो अगर आपसे ये सारे सिम्टम मैच करते हैं कि आपको हिस्ट्री में एक्ने वल्गैरिस की प्रॉब्लम है और आपको स्कार हो चुका है, डार्क स्पॉट हो चुके हैं, आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन जो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मानी जाती है स्किन के लिए, ग्लोइंग के लिए, तो वो है सल्फर। सल्फर आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना होगा। इस मेडिसिन को आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है, 2 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। सल्फर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा डर्टी लुकिंग स्किन है। आपको स्किन देख के ऐसा लगेगा कि बहुत ही गंदी स्किन है, बहुत ही ज़्यादा उसमें ऑयल सा आपको लगेगा, ऑयली टाइप की स्किन होगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि स्किन बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, सल्फर एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत डीपली ये वर्क करती है, तो ये स्किन के फेयरनेस के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, स्पेशली बॉयज़ के अंदर। बॉयज़ की जो स्किन होगी वो मैंने आपको पहले बताया बहुत ही अनहेल्दी है, उसमें बहुत ज़्यादा इरप्शंस होने लग जाएंगे, जैसे कि पिंपल होने लग जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट होने लग जाएगा, स्कार्स होने लग जाएंगे, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है। सल्फर के पेशेंट में एक बहुत ही स्ट्रेंज सिम्टम है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हीट फील होता है, उन्हें पाम में बहुत ज़्यादा हीट फील होगा, सोल में बहुत ज़्यादा हीटिंग सेंसेशन आएगा, फेस और हेड पोर्शन में उनको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ, मतलब उन्हें गर्म सा फील होने लग जाएगा, हीटिंग सेंसेशन उनको आने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं और इनको स्वीट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। तो अगर आपसे सारे सिम्टम मैच करते हैं, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, आपको स्वीट की क्रेविंग होती है, और साथ ही साथ जितना भी मैंने आपको बताया आपकी स्किन बहुत ही अनहेल्दी डर्टी स्किन है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है मैन में, वो है सोराइनम। इस मेडिसिन को आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 15 डेज में बस एक बार लेंगे तो भी चलेगा, इसको आपको 1 mg पोटेंसी में लेना होगा, 15 दिन में सिर्फ एक ही बार। तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन बॉयज़ की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी स्किन है, आपको देख के ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना इसके अंदर से ऑयल आ रहा है, कितना ग्रीसी लुकिंग इनकी स्किन है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है क्योंकि ऑयल लगा होता है पूरे फेस पे, तो बहुत ही ज़्यादा शाइनी टाइप का इनका कॉम्प्लेक्शन होता है। इन पेशेंट की जो स्किन है वो आपको बहुत ही डर्टी लुकिंग लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल है तो डर्टी सा आपको फीलिंग आने लग जाएगा, क्योंकि इनके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है,
इनके जो सिबेशियस ग्लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल का सिक्रीशन होता है। तो ये पेशेंट को पिंपल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपका फेस बहुत ऑयली है तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होगा और उसके वजह से आपके फेस पे पिंपल होने लग जाएंगे। सो राइनम आप कह सकते हैं एक टाइप से जो ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड है उसको कंट्रोल करती है, उसका ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, जो पोर है उसको कम्प्लीटली क्लीन करती है, जिसके वजह से जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाता है। वहाँ पे किसी भी तरीके का बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता, कोई भी पिंपल नहीं हो पाता, कोई भी आपके बॉडी में आप कह सकते हैं स्कार नहीं होगा, स्पॉट नहीं होगा, जिसके वजह से आपको जो कॉम्प्लेक्शन है वो कम्प्लीटली साफ़ होने लग जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वहाँ से ऑयल चला जाएगा और जो आपका डल है, डर्टी स्किन है, डार्क स्किन है, वो फेयर होने लग जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन जो बॉयज़ की स्किन के लिए बहुत अच्छी है, फेयरनेस के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है, वो है बोविस्टा। बोविस्टा उन बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बॉयज़ अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फेस वॉश अप्लाई करने लग गए, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी टाइप की फेयरनेस क्रीम अगर वो यूज़ करते हैं, पहले से ही उन्होंने टीवी में कोई ऐड देखा, उन्हें अच्छा लगा और उसको लगाने लग गए। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई फेस वॉश के वजह से या फिर कोई क्रीम के वजह से आपकी स्किन में डार्कनेस होने लग जाती है, तो उस डार्कनेस के वजह से आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होने लग जाता है, आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे स्पॉट बनते हैं और स्कारिंग होने लग जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा फेस वॉश या फिर बहुत ज़्यादा क्रीम लगा के अपना फेस ख़राब किया है, उसके वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस में डार्कनेस आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डल हो चुकी है, तो बोविस्टा आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। इसको आपको 30 पोटेंशियम में यूज़ करना होगा। बोविस्टा आपको दिन में 2 बार लेना है, 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने टंग के ऊपर। इस मेडिसिन को कम से कम आपको 6 महीना तक यूज़ करना होगा। नेक्स्ट मेडिसिन जो कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है बॉयज़ में, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको 30 पोटेंशियम में यूज़ करना होगा। लाइकोपोडियम उन बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको सन डैमेज हुआ है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनको धूप में काम करना पड़ता है, धूप में उनका निकलना बहुत ज़्यादा है, तो उन बॉयज़ के लिए मेडिसिन बेस्ट है। अगर पेशेंट की स्किन में बहुत ज़्यादा डिसकलरेशन है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है, टैनिंग हो चुकी है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा डार्क है, कुछ जगह बहुत ही लाइट है, इस टाइप का अगर डिसकलरेशन है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही साथ इन पेशेंट को स्वीट की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट को हमेशा गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग और बेल्चिंग की फीलिंग आती है, उनका जो एब्डोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंटेड है, बहुत ही फूला हुआ है। अगर आपको गैस्ट्रिक सिम्टम रहते हैं साथ ही साथ आपकी स्किन का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन जो कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी है, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपको 30 पोटेंशियम में लेना होगा। ये मेडिसिन उन बॉयज़ के लिए बहुत अच्छी है जिनको डार्कनेस भी है फेस में, फ्रैकल्स भी है, मतलब उनको फेस में चकत्ते पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स है। इसके साथ ही साथ इनके बॉडी में एक्सेसिव मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, इनको आइसक्रीम की डिज़ायर रहेगी, कोल्ड जूस की डिज़ायर रहेगी। आप कह सकते हैं पेशेंट नॉइज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी नॉइज़ होगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है, आपसे सारे सिम्टम मैच करते हैं, तो फॉस्फोरस आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, ये था हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। मैंने आपको इसके कॉज बता दी है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता दी है। ये मेडिसिन बॉयज़ में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो अगर आपका स्किन बहुत डार्क है, बहुत डल है, बहुत ही डर्टी स्किन है, बहुत अनहेल्दी स्किन है, तो आप इन मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा हो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना।